हाय गाइस, तो मैं सुबह से अब व्लॉगिंग चालू करी। तो अभी हम जा रहे हैं वापस कपड़े खरीदने, क्योंकि उस दिन पूरे नहीं खरीद पाए थे। तो अभी जा रहे हैं खरीदने, और फिर मैं ले आज मैं जा रही हूँ मैक्स पे, और फिर जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ वहीं पे। चलो फिर चलते हैं साथ में शॉपिंग। चलो चलते हैं साथ में। पुन्ने तो कुछ लिया नहीं और उनके पैर भी रुक गए। चलो मिलते घर जाके। मैं तुझे क्या दूँ काली? काली क्या खाएगी? काली काली क्या खाएगी? पहले जो है आलू को कर लेंगे हम पील। पहले इसका छिलका निकाल लेते हैं, फिर कट कर। तो ये देखो मैंने ऐसे करके चॉप कर लिए। इनको एक बार और पानी से निकालूंगी, और अब मैं यहाँ पे चढ़ाती हूँ अपना गैस पे तवा, और फिर मैं दिखाती हूँ आगे। जो है घी डालेंगे तवे में, और उसमें डालेंगे खूब सारा जीरा और हरी मिर्च। मैंने पैन में गर्म कर दिया है घी और तेल। इसमें डाला है जीरा, मिर्ची हरी और राई हल्के से। जीरा काफ़ी डाला है, इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे हरी मिर्ची और जीरे को। अच्छे से कर लूँगी इसको थोड़ा सा फ्राई। इसमें ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट पड़ेगा एक एंड में। इसमें डाल देते हैं अपने आलू। देखो मैंने डाल दिए अपने आलू, कर देते हैं स्लो पे, तो कर देते हैं इसको अच्छे से मिक्स। तिक्खी लाल मिर्च, थोड़ी सी और हल्दी, ज़्यादा नहीं थोड़ी और, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ना नमक डालने के पहले मैं इसमें डालूंगी हल्का सा पानी, ताकि आलू को ये मैंने डाल दिया इसमें पानी, ताकि ये सारे मसाले रम जाए इसमें। नमक डाल लो स्वाद अनुसार, और अब इसमें ना अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक बार आखिरी में डलेगा, और एक बार अभी डलेगा थोड़ा। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है अपना मक्खन, अमूल का मक्खन। अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। कोई शेफ़ की रेसिपी में मैंने इसको एक बार सीखा था, शेफ़ का नाम तो मैं भूल गई। बहुत लाजवाब बनता है आलू जीरा। बस इसको जो है ना ढक के पका लेंगे अपन 5 मिनट। इसको जो है ना ढक के छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए, तब तक आलू भाप में पक जाएंगे, पानी भी सूख जाएगा। तब तक मैं बना लेती हूँ अपना मैंगो शेक। वो तो आपने पहले भी देखा है, तो क्या दिखाना गाइस। अब मैं मेरे बाल देखो कैसे। मैं जा रही हूँ बनाने, अभी मेरा आलू हो रहा है इधर आलू जीरा,
साथ में मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, तो मैं चलती हूँ बनाती हूँ अपना मैंगो शेक, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ और आपको बचे हुए आलू कैसे बने। सब पूरी रेसिपी तो हो गई, बस जब बन जाएंगे तो उसमें तो धनिया काट कर डालना है। धनिया कटा हुआ जब डालूँगी तब दिखाती हूँ आपको आलू कैसे रहे, पूरे हो रहे आलू अपने। एनीवेज मिलते हैं, आज शॉपिंग करने चले गए थे ना तो थोड़ा लेट हो गया खाने में। मम्मी और मेरे ही खा रहे हैं, मम्मी और मेरे लिए बन रहा है, पापा ने तो डैडी ने तो खा लिया। चलो फिर मिलते हैं हम आलू बोलने के बाद, तब तक हम चला लेते हैं अपना मैंगो शेक। ठीक है गाइस, आती हूँ 5-10 मिनट। मिर्ची उड़ रही है, बाय। फाइनली देखो उसका पानी सुखा देंगे और बस इसमें डाल देंगे धनिया भी, जो हमारा आलू जीरा तैयार है। हो गया हमारा आलू, इसमें डालेंगे बटर, कर देंगे इसको मिक्स। देखा आलू हो गया, उसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट इज बटर हमने कर दिया है ऐड, कर लेंगे इसको बढ़िया तरह से मिक्स। देख रहे हो कितना प्यारा कलर आया, ये हो गया मेरा आलू जीरा रेडी। हमारा आलू जीरा एकदम रेडी और गर्मा बहुत इजी और बहुत ही अमेजिंग बना है, आप बना के ज़रूर खाना। बोल रहे हो आप नहीं बनाओगे रिग्रेट होगा, ज़रूर बनाना, बटर डालना मत भूलना। अब जो है मेरा मैंगो शेक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो मैं डिनर करती हूँ और थोड़ी देर बाद या तो मिलती हूँ या तो फिर कल मिलूँगी आपसे। ओके गाइस, सी या। स्काई को देखो, स्काई को, मोटी स्काई को देखो। ए लड़की, स्काई लड़की, स्काई लड़की, स्काई कुचर 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 ते धनाधन कुचर 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 ते धनाधन। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना खुजा रही है बुल्ली, बुल्ली गरबुट्टी, काट ले, काट काट काट। गुल्लू मामा छोटा पामा, गुल्लू जैसी हवाएं छनन छनन, मड़क पेट की पुल्लू पमन पमन। क्या किया ये, क्या किया तुमने, मम्मी को क्यों मारा, मम्मी को क्यों मारा तुमने, गुल्लू गुल्लू मामा पमन काट। ये क्या है, ये ऐसे कौन लेटता है, ऐसे कौन लेटता है पेट ऊपर करके। मम्मी कट्टी हो गई तुझसे, कट्टी तुमसे हो गई कट्टी, मम्मी हो गई कट्टी, कट्टी तो कट्टी साबुन की बट्टी, ला मेरे पैसे जा तेरे घर जा, अपने मम्मी पापा के पास जा, उनके कमरे में सोती है ना आजकल, मेरे पास नहीं सोती, मेरे से तेरा रिश्ता खत्म, मैं आज से रिश्ता तोड़ती हूँ, जा अपनी मम्मी के पास सो जा, जा ना जा सो ना, सो उनके पास सो ना, मेरे पास सोएगी नहीं ना। अब क्यों मेरे को पटा रही, क्यों मेरे को पटा रही, क्यों पटा रही, क्यों पटा रही, घूंगा घूम घूम क्या करता रहता है ये बुल्लू कहीं का। दी दीदी पास सोएगा, दीदी पास सोएगा का, हाँ बुल्लू वहाँ पे ट्रीट रखी है इसका, ये नहीं है कि तुम पलंग को पूरा चबा लोगे, सुनो मत, यहाँ पे ना ट्रीट्स रखी है मेरी सेलिंग वाली, इसलिए ये सूंघ रही और चाट रही है इसको, चटोरी चट्टी।
तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कुछ खास नहीं किया, थोड़ा बहुत जो भी किया आपको दिखाया। और यहाँ पे देखिए स्काई अपना खुद का जो ब्लॉग है वो टीवी पे कैसे देख रही है अपने आप को, कितने प्यार से अपने आप को देख रही है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक।